बताना सबसे पहले पूछ रही हूँ मैं कि कैसी लग रही हूँ, ठीक है? क्योंकि इस लुक को मतलब करने के लिए मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है, इस लुक को क्रिएट करने के लिए। इसके पीछे का जो मेहनत है ना, आप लोग जानोगे, समझोगे, देखोगे ना तो मतलब सोचोगे या बोलोगे कि वाह कात्यायनी सैल्यूट है तुम्हें। तो अपने मन से ही मैं तारीफ करती रहती हूँ। मतलब क्या हुआ, अपनी तारीफ करनी चाहिए, कोई बैठा थोड़ी आपकी तारीफ करने के लिए। बताओ, लोग तो रैया निकाल निकाल के नहीं थकते। तो देखो मेरा लुक पूरा, देख लो मेरा मेकअप एकदम सिंपल मेकअप, जैसा आप लोग बोलते हो चाहते हो कमेंट हमें। अगर मैं मेकअप कर लूँ कभी, अरे मेकअप मत करो, कितनी बार बोला है मेकअप मत करो, सिंपल में वीडियो बनाओ, तो मैं आप लोगों की मतलब हर एक बात मानती हूँ क्योंकि आप लोग मेरी दुनिया हो। तो देखो एकदम सिंपल मेकअप, इस पे भी नहीं किया है, सिर्फ कपड़ा पहना है मेरा, वो सैंडल है जो कि हम लोग बाहर गए थे तो खरीद के लेके आए थे, तो इस पे यही है मेरे पास, मतलब इसको हमेशा सूट करती हूँ। तो देखो मेरा हेयर वगैरह पूरा ओपन किया है आज का, और आज मैं क्या तो मेरा बाल यहाँ तक आया था। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है आज ही अचानक से शूट कर लिया, बस ऐसा लगा कि मतलब शूट कर लूं, क्योंकि मैं यहाँ पे हम और दीदी खाना खा के, देखो अभी भी खाना खाया, पूरा सामान जो है वैसे का वैसा ही है, खाना खा के हम लोग रखे हैं, सिर्फ नीचे का पूरा काम कंप्लीट है, ऊपर का अभी अभी भी खाना खाए हम लोग, ठीक है? तो देखो सुबह सुबह इतना तेज धूप, इतना तेज धूप, और सुबह का मैंने बना के डाल दिया है, बस बचा था ये, ऐसे एक्स्ट्रा मैंने बनाया। पता है क्या हुआ, मतलब ये कपड़ा रखा था, अब मैं यहाँ पे आके बैठी, हवा चल रहा था, माइंड में आया कि कभी हवा बहता नहीं है, मेरे पास पंखा है नहीं ना ही लाइट है, लेकिन आप लोग जबरदस्ती बोलते हो कि इसके पास लाइट पंखा दोनों है, स्टैंड भी है। तो दीदी का कमाल है हाथ का, जो भी है मेरी दीदी कैमरा करती है, बहुत ही परफेक्ट। और रही बात लाइट की और ये पंखा की, तो पंखा जो है ऊपर वाला पंखा है, तो उठा के थोड़ी लेके आऊंगी छत पे, वो तो घर में सेट है ना, और स्टैंड वाला जो पंखा है रखा जाता है वो वाला पंखा तो वो घर पे है। और रही बात लाइट की, तो देख लो कहाँ लाइट लगा सकते हो, धूप है लग सकता है क्या इसमें लाइट, बताओ इधर से दिखा देते हैं। और देखो चार है इधर सामने वाला जो घर है ना, इन्हीं लोगों का है, तो दीदी कितना मतलब रिस्क लेके यहाँ पे खड़ी होती है। एक बार पता है मैं इधर किसी काम से ही आई थी, तो ऐसे ही मछली बन रहा था उस दिन, मैं टहल रही थी तो मैं आई, तो इतना तेज इसमें लगा ना, अगर यहाँ से लग के इससे लगता पता चलता आंख गया, गया मेरा, मेरा सपना खराब हो जाता यार सच में, मतलब इतना तेज ठीक सहीगा, इतना तेज। और एक बार दीदी को भी लगा था, उनका भी आँख मेरा सर पे लगा था, वही पे दोनों का एक ही, आपका सर पे मेरा सर पे लगा था, तुम्हारा आँख बच गया था, ये पूरा छिला गया था, दवाई लेना पड़ा, मुझे इतना दर्द हो रहा था, ठीक है? तो चलिए मतलब दीदी भी मेहनत करती है मेरी वीडियो बनाने के लिए। तो माइंड में अचानक से आया, और पहली बार ऐसा कुछ ट्राई किया है स्लो मोशन टाइप का, आप लोगों को पता ही है मैं बहुत कुछ ऐड नहीं कर पाती हूँ, मेरे पास तो फर्स्ट मतलब बैकग्राउंड की थोड़ी सी दिक्कत थी, लेकिन अब देखो मैंने बैकग्राउंड बना लिया, ये सीढ़ी वाला मेरा बैकग्राउंड है। पता है मैं घर पे थी तो मतलब ऐसा लगता था कि काश कोई सीढ़ी होता जिसपे एकदम लाइट वगैरह होता, मतलब धूप आता ताकि मैं साफ दिख सकूं, तो ये सीढ़ी हो गया ना दीदी ये वाला, और नीचे मेरे पास से बैकग्राउंड है वो करकट वाला, बहुत ही ज्यादा जगह है तो वो भी मेरे लिए परफेक्ट है, मैं उस बैकग्राउंड को लेकर, और छत पे छत से ज्यादा मुझे इधर ही बनाना अच्छा लग रहा है आजकल, तो मैं इसीलिए छत पे चढ़ जल्दी धूप निकल जा रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है छत पे, आओ धूप निकल गया फिर भागो, इससे अच्छा क्योंकि जय हो जाए। तो देखो अचानक से माइंड में आया, और स्लो मोशन टाइप का सीढ़ी से इस्तेमाल करके मैंने बनाया है, ठीक है? धूप इतना ज्यादा है ना कि तुम दिख भी नहीं रही हो, ठीक है? रेडी? ओके
कुछ ऐसा ही स्टेज था, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ है। तो खुद से ही मतलब देखो जो स्लो मोशन है ना वो मैं खुद से ही कर रही हूँ, जैसे लग रहा है गुड्डा गुड्डा डांस। तो ऐसा मैं ट्राई करती रहती हूँ। तो ये था सॉन्ग, नहीं बताऊंगी खुद पे ही पता कर लो। तो आप मैं सॉन्ग बता दूंगी तो आप लोग पहले ही पहचान जाओगे सब कुछ। तो वीडियो कल आएगी, कल डालूंगी वीडियो। और इतना अच्छा बना है ना एक्सप्रेशन, एकदम टू गुड वाला दिया है मैंने। और पहली बार मुझे खुद का वीडियो, मैं अपना खुद का वीडियो मतलब तो नहीं देखती हूँ, लेकिन पहली बार मुझे लगा कि बार बार देखूंगी अब इसे। बहुत ही अच्छा बना है। और इस रील को बनाने के लिए इतना मेहनत किया है मैंने। देखो मेरा ड्रेस से पता नहीं चल रहा है, उसी समय से देख रहे हो आप लोग। मेरे जीन्स देख लो, मैं बता दी जीन्स देख लो आप। तो ये जो डिजाइन है जो कि आप लोगों को मुझे पता है बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो ये इस नाचीज ने अपने हाथों से प्यारे प्यारे हाथों से बनाया है, ठीक है। सॉफ्ट बातों ना मैंने खुद से बनाया है ये। मेरी दीदी ये क्या बना रही थी, पैच है ये। हाँ चादर बना रहे थे ना, उसी में अगर पैच बच गया था जो छुटकी अपने जींस में लगा ली है अपने दिमाग। उसे मैं चादर बना रही थी, हम लोग घर पे थे तो चादर वगैरह बना रही थी। पैच था उनके पास, ये कलर ग्रीन हरा कलर है और ढलान। तो मैं उसी में से बच गया था, इनका चादर कंप्लीट हो गया। तो मैंने सोचा कि मेरे पास ये जींस बहुत दिन से पड़ा हुआ था, तो मैं सोच रही थी कि इसको इतना अच्छा बनाऊं मतलब सूट करने के लिए। उस समय मैंने पहले मतलब स्टार्ट किया था मैंने यूट्यूब पे, पहले मैंने यूट्यूब पे काम किया, इंस्टाग्राम पे मैं बहुत बाद में आई हूँ, ठीक है। तो मैंने वीडियो बनाने के लिए मेरे पास जीन्स नहीं था, और जीन्स था तो एकदम सिंपल, एक ये और एक ब्लैक कलर का है, वो भी ऐसा ही कुछ था, लेकिन वो खरीदा हुआ है तो जो भी डिजाइन है कंपनी वालों का है। तो मैंने इस पे अपना दिमाग लड़ाया और ये देखो मैंने कैंची से काट काट के कितना अच्छा डिजाइन बनाया है। और मैंने इसको रखा था, फाइनली आज वो दिन आ ही गया कि मैं सूट कर पाई इस पे। बहुत दिन से मतलब दीदी भी बोल रही थी तोर जींसवा का बनैले रहे पैचवा से, इसको मैंने बोरा में रख दिया था। मेरे दिमाग से निकल गया था कि मैंने मेहनत करके कुछ रखा है उस पे भी सूट करना है। इतना भाग दौड़ है आज जिंदगी में कि क्या बताए, मतलब इंसान कुछ भी भूल जाता है। लेकिन आज बनाया मैंने, बताना और स्टेप कैसा लगा वो भी बताना, और मैं कैसी लग रही हूँ वो भी बताना। और पता है जैसे कि आप लोगों को पता ही, मतलब 6 दिन से मेरी तबीयत खराब थी, फर्स्ट बार आज मैंने कुछ अच्छे से मतलब माइंड से एकदम स्वस्थ तरीके से शुरू किया है। तो बताना मैं कैसी लग रही हूँ, इतना तेज धूप है ना देख लो, और पानी वगैरह वो देखो मेरा डिब्बा छोटा वाला डिब्बा कहाँ से कहाँ, मतलब ऐसे भूत की तरह घूम रहा है। तो फ्रेंड्स बस ये ही दिखाना था, और एक और सरप्राइज है मैंने, मेरे पास ना एक व्हाइट कलर का टॉप है, तो जैसे मैंने इस पे वर्क किया है ना, जैसे जींस पे किया है वैसे ही मैंने अपने उस टॉप पे भी किया है। तो वो दिखाने के लिए आप लोग मतलब मेरी रेगुलर की ब्लॉग वीडियो देखो, एक दिन ऐसा ब्लॉग आएगा जिसमें मैं उसको भी दिखाऊंगी और दोनों को एक साथ, ठीक है। तो नीचे पता ही ढूंढना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी इतना अच्छा काम किया है ना, इसे हार्ट बनाया है, पत्ता बनाया है, स्टार बनाया है ना दीदी। और उसको वो मैंने पहन पहन के पुराना भी कर दिया है, गर्मी का मौसम था तो निकाल के उसको पहन लिया, ये पड़ा पड़ा एकदम नए के नए था। तो देखो बताना कैसी लग रही हूँ, और ऐसे सपोर्ट करते रहो, ढेर सारा प्यार देते रहो, आशीर्वाद उस पे बनाए रखना। और क्या बताऊँ, थैंक यू सो मच फ्रेंड 0 से यहाँ तक लाने के लिए, जो भी हूँ आप लोगों की सपोर्ट प्यार की वजह से हूँ। ऐसे साथ बनाए रखिए, और अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बताना कि मैंने सही किया कि